चलो भाई, अब आ जाओ भाई। इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट कमांड जो है कैसे काम करती है। रिफ्लेक्शन में देखें हमें क्या करना है। रिफ्लेक्ट कहते हैं, जैसे हम शीशे में खड़े होकर खुद को देख रहे होते हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन हमेशा आपके अपोजिट होगा, मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा आपका रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कैसे करना है, जैसे ये स्टार का मैंने करके बताया। तो जैसे हमने एक स्टार का शेप लिया, अब एक और आर्टबोर्ड ले लेते हैं। चले, एक आर्टबोर्ड लेने के लिए क्लिक करते हैं ऐड आर्टबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हमने एक स्टार बनाया। स्टार स्टार बनाने के बाद स्टार को एक कलर दे दिया और इस पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और स्टार के ये वाले सारे जो एंकर्स थे मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। अब ये स्टार ऐसा हो गया। अब मैंने इस पे क्लिक किया, यहां से रिफ्लेक्शन कमांड ली, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ भी बन सकता था इसका और राइट साइड पे भी बन सकता था। लेफ्ट साइड पे क्लिक किया, मैंने इसकी कॉपी ले ली तो ये देखें ऐसा ही एक और टुकड़ा और आ गया। इस पे क्लिक करके मैंने ये डार्क कलर दे दिया, या इस पे क्लिक करके मैंने थोड़ा लाइट ब्लू कलर दे दिया तो ये देखें इसका रिफ्लेक्शन। देखा आपने किस तरह से इसका रिफ्लेक्शन बनाए। ठीक है, इस तरह किसी भी शेप का आप रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने वो डायमंड का शेप बनाया हुआ था तो उसको रिफ्लेक्शन के जरिए कैसे बनाएंगे। यहां से मैंने पॉलीगोन लिया, क्लिक किया, तीन ट्राइंगल वाला एक डायमंड यानी के ट्राइंगल बनाया और उसके बाद इसका एक रिफ्लेक्शन लिया। कैसे लिया, रिफ्लेक्शन ऑल्टर के साथ इस पर क्लिक किया, ये देखो इसके बराबर में आ रहा है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया, कॉपी किया, ये नीचे आ गया। अब ये रिफ्लेक्शन वाला ऑब्जेक्ट आया, मैंने उसका कलर चेंज करके इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर दिया। ठीक है, एंड देन फिर हमने सेलेक्ट करके इसको क्लिक किया और इसको बेस पे ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं कि इसका एक और डुप्लीकेट लिया और हमने इसके बराबर में ऐसे सेट कर दिया ऑल्टर के साथ। अब हम दोनों को सेलेक्ट किया, इनको रिफ्लेक्शन लिया, इसके इस सेंटर पॉइंट से क्लिक किया और इसको वर्टिकल करा तो इसके बराबर में इसका एक और रिफ्लेक्शन ले लिया। दो दो और एक पूरे को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से एक और रिफ्लेक्शन किया हमने ऑल्टर के साथ, इस पे क्लिक किया और इसको हॉरिजॉन्टल किया और कॉपी कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने सारे नीचे वाले एंकर सिलेक्ट किए, ऊपर वाले नहीं, ये नीचे वाले, और उनको खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये सारे एंकर मिला देने हैं आपस में, क्या कर देने, मिला देने। तो इन सारे ऑप्शन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने सेलेक्ट किया, राइट बटन दबाया, एवरेज पे क्लिक किया, बोथ कर दिया, ये सही। और डायरेक्ट सिलेक्शन ही टूल लिया मैंने, यहां से क्लिक किया, सेलेक्ट किया और यहां से इसको ऊपर कर दिया और यहां से क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए इस तरह से डायमंड। अब एक दूसरा डायमंड जो इस तरह शक्ल का है, ये वाला डायमंड, ये कैसे बनेगा। देखिए इस तरह का डायमंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपने एक बॉक्स लिया, शेप लिया, उसके बराबर में एक और शेप लिया, उसके बराबर में ऑल्टर के साथ एक और शेप लिया और इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। फिर इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट किया और यहां से रिफ्लेक्शन लिया इसके सेंटर पॉइंट से, ऑल्टर के साथ क्लिक किया और यहां से इसका हमने वर्टिकल लिया, कॉपी कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इन सबको क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करके हमने यहां से रिफ्लेक्शन की कमांड ली और यहां से रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर दिया, वर्टिकल करके कॉपी कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, नीचे वाले सारे एंकर्स को सेलेक्ट किया और नीचे लिए, सेलेक्ट किया ऊपर वाले सारे एंकर्स को, राइट बटन दबाया, एवरेज निकाला, बोथ कर दिया, नीचे वाले सबको सेलेक्ट किया, राइट बटन दबाया, एवरेज निकाला और यहाँ से बोथ कर दिया। ये देखें दूसरा वाला डायमंड आपका क्रिएट हो गया। सही है, समझ में आ गई बात। ये तो यहां पर इस तरह का मामला जो है आपको रिफ्लेक्शन के जरिए करने के लिए मिल जाता है। अब इसी का एक और लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर हमने ये ऑप्शन लिया, सेलेक्ट किया, इसको लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व किया, क्लिक किया
और यहाँ से क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व किया, सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, एक एंकर को डिलीट कर दिया, देन क्लिक किया इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन कमांड ली ऑल्टर के साथ, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, वर्टिकल किया, कॉपी किया, ये इसके बराबर में आ गया, क्लिक किया यहाँ पर, हमने ग्रीन कलर दिया इसके ऊपर और यहाँ से इसको थोड़ा डार्क ग्रीन कलर दे दिया, ये सही है। उसके बाद यहाँ से क्लिक किया, हमने ऐसा एक फोल्डर बनाना है, ऐसा फोल्डर कैसे बनेगा, ऐसा फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर पे क्लिक किया, तो यहाँ से क्लिक करके ये हमने फोल्डर सेलेक्ट किया, इसको ऑरेंज कलर दिया। अब कॉपी करके ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर पेस्ट करना है, तो उसकी कमांड है एडिट पे जाके कॉपी करेंगे या फिर कंट्रोल सी करेंगे, फिर पेस्ट करने के लिए या तो हम दबाएंगे पेस्ट इन प्लेस, उसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट वी, तो इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसको हाफ कर लेंगे, उस पर एक अलग कलर दे देते हैं, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से इसके इस एंकर पे क्लिक करते हैं और दूसरा इस एंकर पे क्लिक करते हैं और इसे खींचेंगे, पहले इस पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ, दूसरे पे क्लिक करें और इसको आगे करेंगे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, इसके बाद अगर आपको टेक्स्ट में आपने ये गोल टेक्स्ट लिखने हैं इस तरह के, तो इस तरह के गोल टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से एक कमांड लेंगे सर्किल, और ये आ गया आपका सर्किल शेप आ गया, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने हैं तो यहाँ से क्लिक करके टाइप ऑन अ पाथ क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपको इसके सराउंडिंग पे नजर आ जाएगा, डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर आप इसको टाइप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करके, ठीक है, अभी इसको कैसे सेट करेंगे, अगर इसका फॉन्ट साइज वगैरह कम ज्यादा करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है, और बढ़ाना है तो ये ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला टूल लेंगे, अब इसके तीन हैंडल है, एक स्टार्टिंग, एक मिड और एक ये एंडिंग, यहाँ से क्लिक करके इसको एंडिंग वाले को स्कैन पे रखेंगे, सेंटर वाले हैंडल को यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे ऊपर की तरफ, ये देखें ऐसे लाके दोनों साइड से सेंटर पे आ जाएगा, नीचे की तरफ करना है तो इसको फिर हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर और नीचे ला के इधर रखना है, ये हैंडल खुद ही आएंगे, हाँ ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हैंडल नजर आ रहे हैं, ये स्टार्ट, ये मिड और ये एंड है इसका, तो हम इसको पकड़ेंगे मिड से यहाँ से और ये देखें ऐसे करके ऊपर की तरफ करेंगे तो ये नाम ऊपर की तरफ आ जाएगा इस तरह से, और अब इसका ये स्टार्ट है, इसका एंड कहाँ गया, एंड और स्टार्ट एक दोनों मिल गए आपस में, इसको इस तरह से करके थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, ये ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा यहाँ पे, अब सेंटर वाला ये है इसको पकड़ेंगे यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आपको राउंड में या किसी भी शेप पर टेक्स्ट लिखना होगा तो इस तरह से आप लिख सकेंगे।